तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं, यानी वो जो दरूद हम पढ़ते हैं यहाँ से, तो फरिश्ते जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं दरूद को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। अब किस तरीके से जवाब देते हैं, क्या है बरकत बरसाती जिंदगी का मामला है, तो उसके तह में जाने की हमको जरूरत नहीं है। हमको ईमान ये रखना है कि जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजें, और एक मरतबा जब हम जुमा के दिन या आम कौन से भी दिन में एक मरतबा जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारे 10 गुनाहों को अल्लाह सुब्हान व तआला माफ कर देते हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमको 10 नेकियां अता फरमाते हैं एक मरतबा दरूद पढ़ने से। तो दरूद में अल्हम्दुलिल्लाह कई किस्में कुरान हदीस की रोशनी में, तो वैसे दरूद जो कुरान हदीस से साबित है वैसे वाला दरूद हमको पढ़ना है। और अक्सर जो नमाज में पढ़ते हैं दरूद इब्राहिम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो इसको हम जो ना कसरत से पढ़े और कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, तो एक मरतबा हम दरूद पढ़ते हैं तो इतनी सारी फजीलत है हमको अल्लाह सुब्हान व तआला अता फरमाए, इंशाल्लाह इसका हम एहतमाम करें। और जुमा के दिन हमको चाहिए कि हम सूरह कहफ को पढ़ें, सूरह कहफ को हम पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते हैं कि जुमा के दिन हम सबको चाहिए कि हम सूरह कहफ पढ़ें मुसलमानों, तो इसकी जो है ना आदत डाल लें कि जुमा का दिन आए तो हम जरूर जो है ना सूरह कहफ पढ़ना है। वैसे पूरी कुरान हम पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, लेकिन खास तौर पर जुमा के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूरह कहफ सूरह नंबर 18 को हम जो है ना पढ़ना है इंशाल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो है हम मस्जिद को आते हैं, घर से निकलते हैं पाक साफ होकर अल्लाह को राजी करने की नीयत से, और पाक साफ होकर मस्जिद में तशरीफ फरमाते हैं अजान से पहले, और मेंबर के जो खुतबा शुरू होता है खुतबे से पहले मस्जिद में दाखिल होते हैं, और अजान हो जाती है हम जो है ना दुरकत नमाज पढ़ लेते हैं अजान से पहले मस्जिद में दाखिल होते हैं, दुरकत नमाज पढ़ लेते हैं और बैठ जाते हैं, गौर से बयान को सुनते हैं यहाँ तक कि बयान मुकम्मल हो जाता है और फिर नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक जो भी हमसे गुनाह हुए हैं अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। कितना बेहतरीन मौका है, कितना जो ना गोल्डन चांस है मुसलमानों के लिए कि वो अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में आए और अल्लाह सुब्हान व तआला हम मुसलमानों को माफ फरमा दे हमारे गुनाहों पर, हमारे खताओं पर, हमारे लर्जिशों पर अल्लाह सुब्हान व तआला अपना पर्दा डाल दे और माफ कर दे कि अरे मुसलमान तो जुमा के दिन जो आया है मैं तुझ पर रहम किया, मैं तुझ पर करम किया, आज जो जो पिछले जुमा से लेके इस जुमा तक जो भी गुनाह किया है मैं तेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता हूँ। अल्लाह ये साकत अल्लाह सुब्हान हम सबको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बस चंद खुशकिस्मत लोग ही होते हैं, वरना ये हदीस को बार बार जुमा में सुनाई जाती है, बार बार लोग सुने हैं, लेकिन हम मस्जिदों का हाल देखते हैं हर मस्जिद में तकरीबन यही हाल है कि लोग सिर्फ जो है ना नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जुमा के दिन, तो अगर नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ आते हैं, इसको हम याद रखें कि जुमा का दिन जो है ना सिर्फ दो रकअत नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, जुमे के खुतबे को अहम तरीन जो है ना अहमियत दे, और अहम तरीन जो है जुमे का खुतबा है। नमाज तो वैसे पढ़ना है, जुहर का वक्त है तो जुहर की नमाज पढ़ना है, अब क्योंकि जुमा है आप मस्जिद में है तो जो है ना आपको जुमे की नमाज दो रकअत पढ़ना है क्योंकि आप खुतबा सुन लेते हैं, तो ये जो है जुमे के दिन जो है ना जुमे का खुतबा जो है वो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत को हम जानें, और जुमे का पूरा पूरा सवाब उस आदमी को उसी वक्त मिलेगा जब वो अजान से पहले मस्जिद में दाखिल होगा। अगर वो अजान से पहले मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, खुतबा शुरू हो गया, मिंबर पर ठहर गए इमाम साहब और जो है ना बयान शुरू कर दिए,
तो जो है अब उनके जुमे का पूरा पूरा सवाब मिला नहीं मिला अल्लाह वाला, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आपको यह बात मालूम होती है कि जुमा की जब जुमा की जब अजान दी जाती है तो फरिश्ते जो दरवाजे पर ठहरे हुए होते हैं, नाम लिखते रहते रजिस्टर में, एक नाम दर्ज करते हैं कि जुमा के दिन कौन कौन आए, किसकी हाजिरी है, तो उन लोगों की जितने लोग अजान से पहले आते हैं उन लोगों की हाजिरी ले ली जाती है। अब जैसे अजान खत्म हो जाती है तो फरिश्ते मस्जिद में अंदर आ जाते हैं जुमे की बयान को सुनने के लिए। ये ईमान से मुताल्लिक है, फरिश्ते हैं। अब जुमा के दिन हम देख रहे हैं कि भाई इतने लोग हैं, क्या इतने लोग हैं? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू की जानिब से फरिश्ते जो है मस्जिद यहाँ पर भी भर गए, वो भी भर गए होंगे, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू का जिक्र जहाँ पर होता है कि होता है, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो होते हैं उस महफिल को घेर लेते हैं और वहां पर जमा हो जाते हैं फरिश्ते। हमारा ईमान है तो ऐसे फरिश्तों के दरमियान वही खुशकिस्मत लोग बैठते हैं, वही खुशकिस्मत लोग जो है ना हाजिर होते हैं जो वाकई में अल्लाह पर ईमान रखते हैं। जो वाकई में अल्लाह पर ईमान रखते हैं वैसे लोग जो है ना जुमा के दिन हाजिर होते हैं, और बार बार जो वक्त मुखर है तो उस वक्त में हाजिर होते हैं। ये खुशकिस्मत जो लोग हैं उन लोगों की बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको उनमें शामिल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आमीन। तो उनवान की तरफ चलते हैं तो कुरान की उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ा जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अर-रिजालु क़वामून अला निसा, मर्द आदमी को जो है ना क़वाम बनाया गया औरतों के ऊपर, यानी हाकिम बनाया गया औरतों के ऊपर। अब जैसे जो है ना हाकिम बनाया गया औरतों के ऊपर, क़वाम बनाया गया औरतों के ऊपर, तो हमारे मर्द हजरात पूरे जो है ना अलर्ट हो जाते हैं, देखे देखे हमारी कैसी शान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना कैसा मर्तबा दिया हमारे, और हमारे कम ईमान वाले भाई भी है और कम ईमान वाले बहने भी समझते देखे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह कुरान में कैसा हो गया और तो गिरा गिरा बहन कुरान की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अर-रिजालु क़वामून अला निसा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द आदमी को क़वाम बनाया औरतों के ऊपर। घर में कोई हाकिम है तो वो घर का मर्द आदमी है, घर में जो वालिद है वो बड़ा है, उसके बाद भाई है, बहनों के ऊपर भाई है। तो इस तरीके से मर्द आदमियों को जिम्मेदारी दी गई, उसी तरीके से यहाँ पर ये जिम्मेदारी की बात है, ये नहीं कि तुम्हें कोई पोजीशन दिया गया, ये ओहदा दिया गया, नहीं ओहदा नहीं दिया गया, ये जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है मर्द आदमी को कि वो अपने घर के अंदर जो भी औरतें होती है, जो भी खवातीन है, उनके जो है ना निगेवान है, उनके मातहत ये औरतें हैं, तो उन लोगों का खाना पीना, उनका अच्छा बुरा सब कुछ देखना है तो मर्द आदमी को देखना है, ये जिम्मेदारी है। ये ना समझे कि जो है इनको एक मर्तबा दिया गया, मुकाम दिया गया, नहीं, ये मर्तबा मुकाम अपने अपने हिसाब से जो है ना, औरतों को जो मुकाम दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, मर्दों को जो मुकाम दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने जिम्मेदारियों को अल्लाह सुब्हानहु तआला यहाँ पर बयान फरमाते हैं कि तुम जो है हाकिम हो, हाकिम। और अल्लाह सुब्हानहु तआला औरतों को क्या मर्तबा मुकाम देते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरह निसा के नाम से पूरा सूरह नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह निसा किसको बोलते हैं? औरत, औरत को निसा बोलते हैं, खवातीन। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला कुरान मजीद में औरतों को कैसा मुकाम देता है, कैसा मर्तबा देता है कि सूरह निसा औरत के नाम से पूरे सूरह को नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ये जो अहमियत जो दर्जा दिया गया और औरतों को, इसको भी हम समझे। और इस्लाम आने से पहले, यानी इस्लाम तो तमाम जितने भी पैगंबर दुनिया में आए तमाम पैगंबरों का दीन इस्लामी है, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए तमाम के तमाम ये बात बोले कि देखो हम सबको बनाने वाला एक अल्लाह है, उस एक अल्लाह की तुम जो है ना इबादत करो और उसके साथ शिर्क मत करो। जितने भी पैगंबर है सब लोगों का जो है ना
ये दावा था और सबकी ये दावत यही थी लोगों की तरफ कि देखो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। और उस वक्त के जो नबी थे उस नबी का नाम लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम तमाम के तमाम नबियों का दीन है ना, इस्लामी है। और दीन क्या है? जिंदगी का तरीका है। दीन जिंदगी का तरीका है। इंसान दुनिया में कैसे जिए, क्या करे, कैसे अपनी जिंदगी गुजारे, शौहर बीवी के साथ कैसे रहे और बीवी शौहर के साथ कैसे रहे, किसकी क्या जिम्मेदारी है घर में, किसका क्या रोल है और किसको क्या जो है जिम्मेदारी दी गई है, क्या मुकाम दिया गया है और अपने अपने फराइज को अदा करे, अपने अपने जो हुकूक है उसको अदा करे, ये जो है ना इस्लाम है। तो इस्लाम में जब लोग जो है ना इस्लामी तालीमात को जब पामाल कर दिए, जब इस्लाम को छोड़ दिए, लोगों के अंदर दीन बाकी नहीं रहा, तो वैसी सूरत में अल्लाह सुब्हान व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर जो है ना मक्का में भेजते हैं। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाले नहीं है, पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम नबियों के जो है ना खातिमे पर है, लास्ट। अब इनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहि सलाम थे, तो उस तरीके से ईसा अलैहि सलाम भी जो है ना मुसलमान थे, उनका भी दीन इस्लाम था। उनसे पहले जो पैगंबर थे उनका भी दीन इस्लाम था, वो भी मुसलमान थे। तो जब लोग जो है इस्लाम को छोड़ दिए, तालीमात को छोड़ दिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में नबी बनाकर भेजा गया। जब नबी बनाकर मक्का में भेजा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि माशरे के अंदर औरतों की कोई हैसियत नहीं, औरतों का कोई मुकाम नहीं है। औरत को माशरे के अंदर उस मक्का में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मबूस हुए, जब नबी बनाकर जो है ना नबूवत दी गई, या उससे पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि औरतों को माशरे के अंदर यानी अरब के अंदर औरतों को जो है ना खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे, मर्जी में आए इस्तेमाल किए, मर्जी में आए भेज दिए, जिस तरीके से छोटे बच्चे जो खिलौने जो से जो खेलते हैं, छोटे बच्चे हम अक्सर देखते हैं, मन में आया हम देखते हैं कि भाई बाहर गए, बच्चे बोलते कि फला खिलौना दिला वो दिला ये दिला, हम दिला देते बच्चों की दिलजोई के लिए, उन लोगों को दे देते दे खेल लो। अब वो बच्चे जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद एक दिन दो दिन खेलते हैं, तो बाहर बच्चे तो ऐसे एक दो घंटे के अंदर उसको तोड़ के फुड़के फूक देते हैं। कंप्यूटर का दौर है आजकल जी, और सिलेक्शन है, थोड़ी देर एक इससे खेलते उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो बहरहाल जो है इस तरीके से जो खिलौनों के से इस तरीके से बच्चे खेलते हैं, तो उस तरीके से औरतों को जो है अरब के अंदर मक्का के अंदर इस तरीके से उनके साथ बस जो है अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर लिए, फिर छोड़ दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को खरीद लिए, यानी लोंडियों को बेचना यानी फरोख्त करना, ये जो है ना मामला चल रहा था। और ऐसी सूरत में कि औरत का कोई मुकाम नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है, इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को मुकाम दिया, औरतों को इज्जत दिया इस्लाम। आज जो गैर मुस्लिम या इस्लाम को नफरत करने वाले ये कहते हैं कि भाई इस्लाम में औरतों का कोई मुकाम नहीं, उनको पर्दे में रख के जो है ना उनके हक को छीना जा रहा, उनके हुकूक जो है ना सही अदा नहीं किए जा रहे। मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारे औरतों की तरह जो है ना हमारी औरतें जो है ना बहाना रोककर जो है ना सबके सामने जाहिर होंगे, हमको पसंद नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मेंबर रसूल पे ठहर कर बात कर रहा हूँ, लेकिन यह बात है, आज लोग इख्तलाफ करते हैं, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को इस तरीके से देखता है। अरे तुमको क्या मालूम इस्लाम क्या देता है, औरतों को इस्लाम क्या मुकाम देता है, क्या मर्तबा देता है, तुमको क्या मालूम। और हमारे जाहिल बात मुसलमान भी है, हमारे पढ़े लिखे नजर आते हैं, हम भी पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, 5 डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अल्लाह का फजल है, पढ़े लिखे बनो तो दीन को सही समझो भाई, दीन को सही समझो।
हमारे पढ़े लिखे बाकी सलमान जो ना इंग्लिश में फाफा करते हुए जो है औरतों को बड़ी आजादी देने की जो है बातें हमारे मुसलमान भी कर रहे हैं आजकल। उन लोगों को समझना चाहिए कि माशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और इस्लाम को जो है लोगों के सामने पेश किए तो ऐसे ऐसे वाकियात हुए तारीख में, ऐसे ऐसी चीजें हुई जो सहाबा कराम जब बयान किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आंखों से जो है आंसू जारी हो गया, रोने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहालत के वाकियात को सुनकर, जहालत के वाकियात को सुनकर। कोई मुकाम नहीं था इस्लाम में जो है ना दुनिया के अंदर औरतों का कोई मुकाम नहीं था। इस्लाम आया तो जो है ना इस्लाम ने औरतों को मुकाम दिया, औरतों को मर्तबा दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला पूरे कुरान मजीद के अंदर एक बेहतरीन सूरह नाजिल फरमाते हैं, सूरह निसा के नाम से, औरत के नाम से पूरे सूरह को नाजिल फरमाते हैं। इससे बड़ा और मर्तबा मैं समझता हूँ कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। रब्बुल आलमीन अपने कलाम में पूरा एक सूरह नाज़िल फरमाता है औरत के नाम पे, निसा के नाम से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कहा दिए और इस्लाम में औरतों को तालीम पर जोर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना तमाम के तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। अब इल्म कौन सा इल्म? दुनिया का दुनियावी इल्म और दीनी इल्म दोनों। वैसे दीनी इल्म दुनियावी इल्म दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं। अब ये ना समझे कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ जो है ना इस्लाम दीनी तालीम नहीं है, ये दीन में शामिल है। कोई साइंस पढ़ रहा है तो इस नजरिए से पढ़े कि देखो अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे आसमान को बनाया, कैसे जमीन को बनाया, अल्लाह की शान उसकी बड़ाई को जो है ना महसूस करते हुए साइंस को पढ़े। और जब हम इस तालीम को अलग कर दिए तो जो है ना दीन की तालीम अलग, दुनिया की तालीम अलग हो गई। तो दोनों को समझते हुए पढ़े इंशाल्लाह। ये दीन है, ये इस्लाम है। तो औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकाम मर्तबा दिया गया तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म का हासिल करना दोनों के ऊपर फर्ज है। इस हदीस से मालूम हुआ लेडीज और जेंट्स दोनों को इल्म हासिल करना है। दोनों शर्त ये है कि जो है पर्दे में रहकर बाहया रहकर औरतों को तालीम हासिल करना है और उस तरीके से मर्द आदमी को भी हया के साथ अपनी जिंदगी गुजारना है। कुरान की जो आयत अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में पर्दे का जो हुक्म दे रहे हैं औरतों के लिए कि वो सर से पैर तक जो ना अपने जिस्म को कपड़े से ढक के ढक कर रखे तो उससे पहले मर्द आदमियों को हुक्म दे रहा कि वो अपना पर्दा करे। बोल साहब क्या बोल रहे मर्द आदमी? हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही मर्द आदमियों को पहले अल्लाह सुब्हान व तआला मुसलमान मोमिनों को मुसलमान मर्द आदमी को ये हुक्म दे रहे हैं कि वो अपने नजरों को नीची कर ले। पहले मर्द आदमी को हुक्म दे रहा अल्लाह अपने नजरों को नीची कर ले, अगर कोई गया औरत को देखे तो अपनी नजरों को नीची कर ले, ये तुम्हारे लिए पर्दा है, ये तुम्हारे लिए जो है हया की बात है। और औरतों के लिए हुक्म ये भी है उसके साथ साथ वो अपने जिस्म को पूरा ढांक कर रखे, ये उनकी इज्जत के लिए है, उनकी जो है ना इज्जत और आबरू के लिए है, उनकी हिफाजत के लिए है। मिसाल के तौर पे कोई जो ना गली से दो औरतें अचानक औरतें गुजर रही है तो बस उनमें एक बस उनमें औरतें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक है ना शरीयत के मुताबिक है ना पर्दे की पाबंद है, बाद ऐसी औरतें हैं जो अपने लिबास को अपनी मनमानी तरीके से पहने हुई है। अब वो रास्ते में बैठे हुए छिछोरे बच्चे या ऐसे आदमी जो जिनको इस्लाम का के ताल्लुक से नहीं मालूम वैसे लोग किसकी तरफ देखेंगे और किसको छेड़ेंगे? जो औरतें अपने हिसाब से तो चल रही हैं उनको छेड़ेंगे, उनके तरफ देखेंगे। जो बाहया औरतें जो बापर्दा है उनके तरफ नहीं देखेंगे, देखेंगे तो क्या नजर आए? कुछ नहीं नजर आएगा। तो ये औरतें सेफ है, ये औरतें सेफ है, हिफाजत में है। तो उसी तरीके से औरतों को अल्लाह ने इस्लाम ने ये हुक्म दिया, ये इज्जत और एहतराम एहतराम दिया कि जो है ना माँ के कदमों तले जन्नत मिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुकाम है जी?
कैसा मुकाम है इस्लाम ने औरतों को क्या मुकाम दिया? इस्लाम ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत जी। अब इससे बड़ी जनाब बढ़ाई की बात और इससे बेहतर बात और कौन सी हो सकती है कि अल्लाह ने इंसानियत को पैदा करके अल्लाह सुब्हान तआला ये चाहता है कि पूरी इंसानियत जन्नत में जाए। अल्लाह का मंशा ये है कि पूरी इंसानियत जन्नत में जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ के कदमों तले जन्नत। अल्लाह कैसा मुकाम है औरतों का, इसको हम समझे। माँ बाप की हिम्मत करे नौजवान, बूढ़े माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो उनकी खिदमत करे जन्नत को हासिल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बूढ़े माँ बाप को घर में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत वाले ये खुशकिस्मत वालों की खुशकिस्मतों की जो है ना ये अलामत है। खुशकिस्मत है वो लोग जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को जो ना पाते हैं अपने घर में, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लेते हैं जी। इसमें हम समझे। एक वाकया ऐसा हुआ कि एक सहाबी आकर फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो क्या अल्लाह सुब्हान अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हां माफ कर देंगे। फिर से पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह सुब्हान अल्लाह पूरे गुनाहों को माफ कर देंगे जो भी हम जहालत में किए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हां भाई पूरे अल्लाह सुब्हान अल्लाह पूरे गुनाहों को माफ कर देंगे। आप इस्लाम कबूल किए हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह आपके पूरे गुनाहों को माफ कर। तब वो एक वाकया बयान फरमाते हैं। वाकया ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो है सफर में था और जहालत उस वक्त की ऐसी थी कि अगर मक्का में या जो है ना अरब में अगर लड़की पैदा हुई किसी के घर तो समझो कि उस घर में मातम है। अल्लाह अल्लाह समझो कि वो घर में सब लोग जो ना अपना चेहरा झुका लेते थे, मुंडी झुका लेते थे, ऐसा ऐसी जो है ना शर्मिंदगी की बात को महसूस करते थे, शर्मिंदगी समझते थे बच्ची पैदा करना। इस्लाम ने कैसा मौका दिया, कैसी इज्जत दी और बच्चियों को जिंदा दंडोर किया जाता, जिंदा बच्चियों को औरत बच्चियों को जना जना जिंदा उनको गाड़ दिया जाता। हैदराबादी जबान में बोलना पड़ता, सुनना भी हम कमरा नहीं करते। अल्लाह जिंदा अल्लाह अल्लाह इस्लाम की जैसी नेमत अल्लाह ने हमको नसीब फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मत। और लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को का हक नहीं दिया। ताज्जुब है। सीरत को पढ़ो तुम लोग, मेरे प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम के वाकयात को पढ़ो, इस्लाम को सीखो समझो। जब मालूम होता किसका क्या मर्तबा क्या मुकाम दिया गया इस्लाम के अंदर तो वाक्य ये सहाबी आकर फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे गुनाह माफ कर देंगे अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पूरे के पूरे गुनाह को माफ किया जा रहा है, माफ कर देंगे। तो फरमाते हैं जो है जमाने जाहिलियत में जो है ऐसा ऐसा होता था तो जमाने जाहिलियत में मेरे घर भी एक बच्ची पैदा हुई अल्लाह, मेरे घर भी एक नन्ही नन्ही बच्ची पैदा हुई और मैं जो है घर से बाहर था को नहीं मालूम कि मेरी बच्ची है मेरी लड़की है। जब मैं घर आया सफर से तवील सफर के बाद तो मैंने देखा कि छोटी बच्ची है घर में खेल रही है घर में रह रही है। मैंने मेरी बीवी से पूछा कि बच्ची कौन है तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी की बच्ची है किसी और की बच्ची है। तो अब मैं जो है बच्ची के साथ जो है खेलता कूदता और अपने से जो है उनसियत हो गई और जो है उससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, औलाद की तरह उसको चाहता था। हकीकत उसकी औलाद ही है लेकिन औरत जो है उसकी उनकी जो बीवी थी उनको ये बात नहीं बोली कि जरा उनकी बेटी है, अगर बोल देते तो लेके जाके दफन कर देते जिंदा। अल्लाह जिंदा दफन कर देते, खबर खोल के जिंदा बच्ची को जो ना डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते अल्लाह की हिफाजत ऐसा कर देते, छुपा देती है बात को नहीं बोलती। अब बाद में धीरे धीरे बच्ची जो ना छोटे से ना बड़ी होने लगी उसको अच्छी बातें भी मालूम हो गई ना बात करने लगी बच्ची। और जब वो माँ देखती है बाप और बेटी के दरमियान ऐसी मोहब्बत
हिकमत है कि जो है ना बगैर बाप की बेटी नहीं रह सकती और बगैर बेटी के बिना बाप नहीं रह सकता। थोड़ा समझती है कि जो है कितना अच्छा होता कि मैं बात बोल हमारे शोहर कि जो ये आपकी बड़ी बच्ची है। आखिरकार वो जो है ना बोल देती है कि ये आपकी लड़की है। जिस तो जैसे ही मालूम जाता कि आपकी लड़की है कि लड़की साहबी की क्या करते हैं जहाँ रहते हैं जमाने जहालत की बात कर रहा हूँ। उस बच्चे को जो है वो लेकर निकल जाते हैं रेगिस्तान की तरफ। हुआ दिल दहल दहल जाता है पाठक का। जब आगे बढ़ते हैं तो बच्ची पूछती है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं आप। वाह इतना पत्थर दिल हो गया इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई। और इस्लाम आया तो इंसानियत सिखाया। इस्लाम आया तो औरतों का मुकाम दिया। इस्लाम आया तो मेरा तमाम के तमाम लोगों के हुकूक बताए गए इस्लाम के जरिए से। आज लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि उन लोग इस्लाम को सही समझें। और बाद में बच्ची यही सवाल करके आप उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। बस चलते चले चलते चले चल रहे बस। अब उसके बाद गड़ा खोद रहे गड़ा खोद रहे तो बच्ची पूछते आप ये गड़ा क्यों खोद रहे। और जब मिट्टी आकर उनके ऊपर गिर जाए तो मिट्टी को साफ करती हो और पूछती आपके ऊपर मिट्टी गिर रही मिट्टी को साफ करती है। जी हमारी औलाद को तसव्वुर कर इस्लाम ने हमको कैसा मर्तबा दिया। जी और साहब फरमाते हैं और मैं बच्ची की बात को सुनता रहा बस नजरअंदाज करता रहा। और जब गड़ा मुकम्मल हो गया तो मैं उसको अंदर डालकर मिट्टी में पकड़ लिया। फरमाते हैं अल्लाह के नबी क्या ये गुनाह माफ होगा क्या ये गुनाह माफ होगा। इस्लाम में जो मुकाम औरतों को दिया गया जो मुकाम मर्द आदमी को दिया गया अपनी अपनी जिम्मेदारी को बताया गया कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। शौहर की इज्जत करो औरतों से कहा और शौहरों से कहा कि तुम अपनी बीवी के साथ नेक सलूक करो वो तुम्हारे लिए जन्नत फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों के सामने सजदा करें। इस्लाम में अगर सजदा जायज होता अल्लाह किस वजह से और के सामने सजदा करना जायज नहीं हराम है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करें। कैसा मुकाम है अपना अपना मुकाम है जी अपनी अपनी जिम्मेदारी है इसको हम समझे। आज इस्लाम के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं लोगों को तारीफ नहीं मालूम लोगों को इस्लाम नहीं मालूम। आज वक्त है कि हम लोगों को इस्लाम समझाए। आज वक्त है कि हम लोगों के सामने कुरान हदीस की बात करें इंशाअल्लाह लोगों के सामने कुरान हदीस की बात करें। इस्लाम है तो हम है सहाबा किराम फरमाते हैं हमारी हैसियत ही क्या थी हमारी हैसियत ही क्या थी हम सिर्फ बकरियों को चलाने वाले थे लेकिन इस्लाम आया हमको इज्जत मिली कुरान आया हमको इज्जत मिली प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमको इज्जत मिली। इस्लाम से इज्जत है जी इस्लाम से हमारा घर जन्नत बन जाएगा इस्लाम से हमारा पूरा घर जन्नत बन जाएगा हमारी औलाद हमारे आंखों की ठंडक बनेगी हमारी बीवी हमारे आंखों की ठंडक बनेगी। आप हम सब मिलकर इस्लाम पर अमल करें हमारा फायदा होगा। अगर इस्लाम को छोड़ दे हमारा नुकसान है अल्लाह का इस्लाम का कोई नुकसान होने वाला नहीं है कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर इस्लाम पर अमल करेंगे ये हमारे लिए खुद की जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह खुद की जिंदगी संवर जाएगी।
कई ऐसे वाकयात और कई ऐसी चीजें हैं तो इस्लाम ने औरतों को उनका मुकाम दिया, उनका मर्तबा दिया। ये चीजें जो ना हम सीखे और समझे। और हमारी बहने यहाँ पर बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा, तो गैर मुस्लिम शायद देख रहे होंगे, तो उन तक ये पैगाम है कि इस्लाम ने जो मर्तबा और जो मुकाम औरतों को दिया कोई और इज्जत में नहीं है, कोई और इज्जत में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु तआला हम जो भी सुने हैं अल्लाह उस कुरान को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे सगीरा कबीरा तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला हमको गुनाह करने से बचाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला जो भी बीमार है उनको शिफाए कामिल आजीज़ अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला जो भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान है कट रहे पिट रहे अल्लाह सुब्हानहु की गैब से मदद फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला मुसलमान कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह सुब्हानहु के गैब से जो है कर्जों की अदायगी का इंतजाम फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला खास तौर पे हमारे मुल्क के ऊपर जना अमन शांति को कायमत कायम रखे, और अल्लाह सुब्हानहु तआला मुसलमानों की जान की मान की इज्जत की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको दीन पर चलना आसान फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु तआला जो अपने आपस से जो हुकूक है वो तमाम हुकूक को सही समझ कर उस पर अमल करने की अल्लाह को नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको ईमान की जिंदगी और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।